हे दोस्तों, वेलकम टू अबिस ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं मुंबई के अंदर समंदर में बसे केव्स को एक्सप्लोर करने, जो कि है एलिफंटा केव्स। और उसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे, और यहाँ से आपको बोट्स मिल जाएंगी जो कि आपको एलिफंटा केव्स लेके जाएंगी। चलिए आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, मुंबई मतलब सपनों का और भागदौड़ भरा शहर, और इसी में समंदर के अंदर 10 किलोमीटर दूर बसी ये गुफाएं एलिफंटा केव्स। यहाँ जाने के लिए आपको, आप जहाँ पे भी रहते होंगे वहाँ से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँच जाना है। गेटवे ऑफ इंडिया से आपको शेयरिंग बोट मिल जाएगी जिसकी कॉस्ट है 260 रुपीज पर पर्सन फॉर रिटर्न। यहाँ से बोट में बैठ कर आपके इस जर्नी की शुरुआत हो जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफंटा केव्स पहुंचने का ये सफर काफी रोमांचक और एडवेंचरस है। बोट के ऊपर से हमें जो जहाज के समंदर के नज़ारे देखने मिलते हैं वो सारे मनमोहक है, और साथ में ही हमारे सफर के साथी यहाँ के पक्षी भी जुड़ जाते हैं। सब चीजों के साथ एक घंटे का सफर कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और एक घंटे के अंदर हम लोग एलिफंटा आइसलैंड यानी कि घारापुरी विलेज में पहुंच जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, एक घंटे के बोट जर्नी के बाद हम लोग घारापुरी विलेज आ चुके हैं, जहां से हमारे एलिफंटा केव्स की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां से हमें एक टॉय ट्रेन भी मिलेगी और आप वॉकिंग से भी जा सकते हो। तो चलिए हम लोग टॉय ट्रेन से जा रहे हैं। यहां से हमें घारापुरी विलेज पहुंचने के लिए बाय वॉक 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, और यहां पर हमें टॉय ट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है जो कि हमें 5 मिनट में वहां पहुंचाती है। हमने कभी टॉय ट्रेन की जर्नी नहीं की थी तो हम लोग टॉय ट्रेन से ही जाते हैं, जिसका वापसी का टिकट 10 रुपीज पर पर्सन है। टॉय ट्रेन हमें 5 से 6 मिनट में घारापुरी विलेज के बॉर्डर पर लाकर छोड़ देती है। यहां से हमें आगे का सफर बाय वॉक ही करना पड़ता है। वहां से 2 से 3 मिनट चलने के बाद हमें ग्राम पंचायत घारापुरी का ये टिकट काउंटर दिखता है, जहाँ पे आपको एंट्री के पर पर्सन 5 रुपीज देने पड़ते हैं। वहाँ से टिकट निकाल कर फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ से गुफाओं के पास आने के लिए हमें 125 सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता है। फिर यहाँ हमें ये एलिफंटा केव्स का यूनेस्को ने लगाया हुआ बोर्ड दिख जाएगा। बोर्ड के यहाँ आने के बाद आपके सामने 2 रास्ते होंगे, वही में से लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता पकड़कर आपको गेट के अंदर चले जाना है। अंदर जाते ही हमारे आंखों के सामने एक और टिकट काउंटर आ जाता है, जो कि एलिफंटा केव्स के अंदर एंट्रेंस के लिए टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन। और दोस्तों, ये टिकट यहाँ का आखिरी टिकट है, इसके बाद आपको कोई भी टिकट नहीं लेना होगा। फिर यहाँ से सीधा हम लोग अंदर चले जाते हैं। एलिफंटा आइसलैंड के ऊपर हमें 5 बड़ी बड़ी अलग अलग केव्स देखने मिलती है, जिसके अंदर लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड शिवा की अलग अलग मूर्तियां स्कल्पचर की हुई है, और ये है यहाँ की पहली वाली गुफा। चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। यहाँ अंदर आने के बाद हमारे आंखों के सामने कई सारी पत्थरों के अंदर बनाए हुए स्कल्पचर दिखते हैं, जो कि अलग अलग रूपों के लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड शिवा की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को देखकर हमें तो आश्चर्य हो जाता है, उस समय में इन्हें कैसे इतना अच्छे से पत्थर के अंदर खोदकर बनाया होगा। इसके इतिहास के बारे में दोस्तों बताया जाता है कि इनका निर्माण राष्ट्रकुटा एम्पायरर्स ने 5 से लेके 7वें शतकों में किया गया था। इस पहली वाली गुफा के अंदर सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ की ये त्रिमूर्ति वाली ये स्कल्पचर, जो कि एक अलग ही कलाकृति का प्रतीक है। और हमें आश्चर्य होता है कि उस समय में कैसे इतने डिसिप्लिन से अच्छे तरीके से इन मूर्तियों को पत्थर के अंदर खोदकर बनाया गया। और इस पहली वाली गुफा में हमें शिवजी का एक पिंड भी देखने मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आधे से ज़्यादा मूर्तियाँ आधे टूटे हुए रूप में हमें देखने मिलती है, जिनको 1600 के दशक में
जब पुर्तगाल भारत में आए थे तब इन्हें तोड़ने का प्रयत्न किया गया था। और इसके ही जस्ट बाजू में हमें एक दूसरी वाली गुफा दिखती है, जिसके अंदर हमें और भी कई सारी मूर्तियां जो कि अभी आधी टूटी हुई और लॉर्ड शिवा का एक पिंड देखने मिलता है, जिसे देखकर हम लोग इस पहली वाली गुफा के बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हमारे इस प्राचीन इतिहास को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। फिर यहाँ से बाहर निकलकर हम लोग हमारी दूसरी वाली गुफे की ओर जा रहे होते हैं। हाँ, रास्ते में हमें ये बैठने के लिए जगह बनाई हुई दिखती है। अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पर आप लंच कर सकते हो। वहाँ से निकलकर हम लोग आगे की ओर अपनी दूसरी वाली गुफा देखने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी वाली गुफा ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर यहाँ पर हमें कई सारे वाटर टैंक्स और छोटे छोटे गुफाएँ दिखती है। और यहाँ पर हमें एक वाटर टैंक में पानी अभी भी देखने मिला, जो कि काफ़ी बड़ी वाटर टैंक थी। फिर वहाँ से निकलकर हम लोग अपने तीसरे वाले गुफा की ओर जाने लगे। ये गुफा काफ़ी बड़ी और पूरे माउंटेन को काट कर एक पिलर का एक अलग ही रूप से बनाई हुई गुफा है। इसके अंदर हमें कोई स्कल्पचर तो नहीं दिखता, पर यहाँ पे हमें कई सारे छोटी छोटी गुफाएं दिखती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बने इन पिलर को एक बार हाथ से छूकर जरूर मैं फिर इन्हें देखकर। दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो बंदरों से जरूर सावधान रहे। यहाँ पे आपको हर जगह पे बंदर दिखेंगे, जो कि आपको परेशान भी करते हैं। यहाँ से निकलकर हम लोग अपनी चौथे वाली गुफा की ओर चले जाते हैं। पर इस गुफा के अंदर अभी फिलहाल सिर्फ हमें पानी की टंकियाँ ही दिखती है। यहाँ पे कोई प्राचीन स्कल्पचर वगैरह अभी मौजूद नहीं है। फिर उसे देखकर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे आप गुफाओं को देखकर बाहर मेन गेट की ओर आते हो तो राइट हैंड साइड में हमें ये एक रास्ता दिखता है, जो कि इस घारापुरी विलेज के टॉपेस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जाता है, जो कि है कैनॉन हिल्स। उसके ऊपर हमें अलग अलग उस जमाने के रखे हुए तोप देखने मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग भी अभी ऊपर जाके देखते हैं वहाँ क्या क्या अभी मौजूद है। ऊपर जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, बट कुछ आधे अधूरे टूटे हुए सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी और ऐसे ही कच्चे रास्ते से हमें ऊपर ट्रैक करके जाना है। नीचे से ऊपर पहुँचने के लिए लगभग आपको 10 से 15 मिनट ट्रैक करके ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद आपको ये बड़ी सी एक तोप दिखती है, जिसका आकार और वजन काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से हमें पूरे समंदर का नज़ारा भी देखने मिलता है। तोप के नीचे हमें छोटी छोटी गुफाएं दिखती है, जो कि उस समय में तोप के दारूगोला रखने के काम आते होंगे। यहाँ पर आप अगर आते हो तो अंदर ना जाए, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। दोस्तों, फिर वहाँ से निकलते टाइम आपको रास्ते में कई सारे एंटीक स्ट्रक्चर स्टैचूज देखने मिलेंगे, जो कि आपको अट्रैक्ट भी करेंगे और आप उन्हें यहाँ से खरीद भी सकते हो। इन सबको देखकर हम लोग वापसी के लिए बाहर की ओर निकलने लग गए। यहाँ पर हमने बहुत सारी अलग अलग देवताओं की देवियों की मूर्तियाँ भी देखी और वैसे ही अलग अलग एंटीक पीस शीशेल्स और कई सारे खिलौने भी हम लोगों ने देखे। दोस्तों, यहाँ से जो वापसी की बोट है वो शाम 5 बजे तक ही रहती है। चलिए दोस्तों, इन सबके साथ हमारी इस ब्लॉग का यहीं पर अंत करते हैं। और आपको अगर हमारी ये ब्लॉग अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।